यजीद की पार्टी कोई मर तो नहीं गई, आज खुद जिंदा मौजूद है, तुम क्यों अल्ट्रासाउंड कर करके पकड़ रहे हो कि पता नहीं वो होगा, पता नहीं ये होगा। ये हैं उसकी पार्टी के लोग जो खुद दावा कर रहे हैं कि हम उसके हैं। ये किताब मेरे हाथ में है, इस किताब का टाइटल अगर पढ़ूं तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन है यजीद वाले। अमीरुल मोमिनीन सैयदना यजीद रजी अल्लाह ताला अन्हो कुरान हदीस सहाबा इकराम के मसलक और तारीख की रोशनी में व सल्लल्लाहु अमीरुल मोमिनीन यजीद व अहसनुल जजा, यह टाइटल है इसका, जरा नोट करें आप। मैं उनको पूछता हूं कि तुम क्यों गदले पानी में मछलियां पकड़ते की कोशिश करते हो, कुंडी तो तब डालो ना कि जब तेरा शिकार पहले ही किनारे पर ना पड़ा हो। भाई कुंडी डालने की जरूरत तो तभी पड़ती है जब गहराई से कोई चीज पकड़नी हो। जब अगले खुद मानते हैं कि हम यजीदी हैं तो तुम किस यजीदी की तलाश में हो? यह किताब तुम्हारे पास नहीं है? ये उसको अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, सैयदना कहते हैं, रजी अल्लाह अनु कहते हैं, और उस पर दुरूद भेज रहे हैं बाकायदा सल्लल्लाहु अल्लाह का सलाम हो किस पर? यजीद पर। और जब मैं बात करता हूं तो लोग मुझे भी कहते हैं कि बड़ी टेढ़ी किस्म की तुम्हारी तकरीर हो जाती है। भाई होती तब है जब कोई चीज हमने देखी हुई है, आपने देखी हुई नहीं है। अब मैं आपको सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि इस खिदमत को अंजाम देने वाले लोग कौन हैं। ये 375 सफे की किताब है और इस किताब के हर सफे पर उन्होंने अहले बैत को गालियां बकी हैं। यजीद की तारीफ की है और इस किताब की तस्दीक करने वाले के ये किताब दुरुस्त है और यजीद वाकई जन्नती है। पहला नाम है मौदूदी साहब का। ये किताब मेरे हाथ में है, आप यूके इस्लामिक मिशन वालों को अपनी खाले में उतार के दे दीजिए, लेकिन पहचानिए जरूर कि इन्होंने हमारी क्या खिदमत की है। इस किताब पर दस्तखत, पहला बंदा बड़ा नाम मुफ्ती मोहम्मद शफी देवबंद, मौलवी इस्माइल मरकजी नाजम आला जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान गरजाकी गेट गुजरांवाला, इन सब लोगों ने इस पर दस्तखत किए हैं। और मैं मेरे हाथ में किताब है, मैं आपको बिल्कुल इससे आगे एक एक बंदा भी देखना चाहेगा मैं दिखाऊंगा उसको। 1963 में यह किताब 1963 में छपी, मलक अमीर मोहम्मद खान ने इस पर बैन किया और कोड़े मारे इसके मुसन्निफ को। आज भी पूरे पाकिस्तान में देवबंद जमात का जो पूरे मदारिस का बोर्ड है, उसका जो जनरल सेक्रेटरी है, उसका दादा मौली खैर मोहम्मद जालंधरी, उसके भी इस पर दस्तखत मौजूद हैं और ये सब यजीद को मगफूर और जन्नती कह रहे हैं। इस तरह खाम खा का रौड़ा डालने का क्या फायदा कि सिर्फ हम दुश्मन ना पहचाने और मोहब्बत इसको समझे, किनारे लगा दो, रो दो, इससे मोहब्बत अदा हो गई। आज भी यजीदी मौजूद है और यजीद लावलद नहीं है, अबतर नहीं गया, उसकी नस्ल अभी भी जायज नाजायज मौजूद है। और इरफान मशदी हर वक्त आपको बताता रहता है कि अगर यजीदी नस्ल मौजूद है तो हुसैन की नस्ल भी करबला में सारी नहीं कटी। जिनकी रगों में करबला वाले का खून है वो आज भी मैदान करबला में मौजूद है।